जय हिंद। मैं हूं बिट्टू एथलीट। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिट्टू स्पोर्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खुशी के विषय पे लेके आया हूं। आज मैं मिलवाता हूं अपने छोटे भाई रंजन कुमार से, जिन्होंने नवोदय में 94 नंबर ला के अपना स्थान पक्का किया है। वहां पर इनके एडमिशन के लिए कॉल आया था। सब बहुत खुश हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। इस बच्चे ने 94 नंबर ला करके अपना स्थान बांसी नवोदय में पक्का सुनिश्चित स्थान अपना किया है। मैं इस बच्चे का नाम बता दूं, रंजन कुमार है, ग्राम मरोटिया है। इन्होंने हमारे सैनिक कोचिंग सेंटर बनकटा सिद्धार्थनगर में लगभग 5-6 महीने से कोचिंग कर रहे थे, जो हमारे सर हरिकृष्णा सर के द्वारा यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको नवोदय के साथ साथ कई सारी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। जो भी भाई इच्छुक हैं, जो भी बहन इच्छुक हैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या चाहती हैं, वो सब आके तैयारी कर सकते हैं। मैं दो शब्द सर को लेके आता हूँ। सब सर आपको दो शब्द बताएंगे इस बच्चे के बारे में कि बच्चे ने कैसे तैयारी की और कितनी मेहनत की, किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। सर आ रहे हैं, आप लोग देखें। जय हिंद दोस्तों। ये हमारे कोचिंग के बच्चे हैं जो अच्छी मेहनत किए हैं। कुछ हमारा सहयोग है, काफ़ी इनका मेहनत है, जिसके कारण इनको नवोदय में सिलेक्शन होगा। हमारे यहाँ हर प्रकार की तैयारी की जाती है। आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी हो तो हमारे कोचिंग सैनिक कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं, हमेशा खुला रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों ने देखा, सर ने बताया है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं एक बार और पता बता दूँ। सैनिक कोचिंग सेंटर आप लोग बिलावा से 3 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा सैनिक कोचिंग सेंटर। आप लोग को नंबर भी दिया गया है, उस पर आप लोग नंबर पर संपर्क करके लोकेशन के साथ आप लोग यहाँ आ सकते हैं। आपको अच्छी तैयारी कराई जाएगी और आपको 100% समझ लीजिए आपका सफलता मिलेगा। यहाँ से हर बच्चे जो है कई बार सिलेक्ट हो चुके हैं। 5-6 लड़के जो है पिछली बार आर्मी में भी सिलेक्ट हुए हैं। उन लोगों से भी मैं आपको कभी मिलवाऊंगा जब आएंगे। अभी तो वो लोग ट्रेनिंग पे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इस बच्चे की देखिए मेहनत करते हुए कितना अपार हर्ष हो रहा है मन में कि इस बच्चे ने, एक छोटा सा बच्चा है जो नवोदय में सफलता प्राप्त किया है। नवोदय में सफलता प्राप्त करना कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोग भी मेहनत करें और अपने करियर को आगे ले जाएं। जय हिंद।